भगवद गीता में लिखा हुआ है, जो आपका विश्वास तोड़े उसका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वह जीवन की बहुत बड़ी सीख हमें प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में हो रही थी, और हमने उन पे योजनाओं को लेके, जो कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जा रही हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते थे, उन पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। तो हमने काफ़ी सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी, और आज हम अपनी वही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मध्य प्रदेश पीएससी ने इसके पहले कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, साथ ही स्टेट के जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो व्यापम का एग्ज़ाम हो या एडीपीओ का हो या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, सेट का एग्ज़ाम हो, उन सब में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं जनजातियों को लेके, उन समस्त प्रश्नों को इसके अंतर्गत हमने रखा है। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी चर्चा किस में होगी? जनजाति योजनाओं पे। देखिए, आपको पता है कि जनजाति योजनाओं के लिए एक विशेष रूप से सिलेबस पे लिखा गया है, तो हमको इसको अच्छे से करना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज के प्रश्न में चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 सितंबर 2021, ऑप्शन बी 6 सितंबर 2022, या ऑप्शन सी 15 सितंबर 2020, या ऑप्शन डी 17 अगस्त 2020। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 6 सितंबर 2022। अब देखिए, 6 सितंबर के दिन कई सारी योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जैसे इस दिन भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, और एक योजना तो यही हो गई, और इसके साथ एक और योजना शुरू की गई थी, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपकी 6 सितंबर 2022 में। अगर अनुसूचित जनजाति वित्त पोषण योजना की बात की जाए, तो ये योजना जो जनजाति कार्य विभाग उसके अंतर्गत संचालित की जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 सितंबर 2022। अगला प्रश्न है, अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रारंभ कब हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11 जनवरी 1989, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1989, या ऑप्शन सी 1 जनवरी 1989, या ऑप्शन डी 30 जनवरी 1990। तो इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी 1990। देखिए, जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, ये मुख्य रूप से SC ST Act 1989 के रूप में जाना जाता है। इसका अगर आधार की बात की जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर ये तैयार किया गया है, तो अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 35 को। इसके अंतर्गत होता क्या, इसमें अब अगर इसके प्रावधानों की बात करें, तो ये 5 अध्याय और 22 धाराओं में विभक्त है, और इसकी जो धारा तीन वो मुख्य रूप से अपराधों का जिक्र करती है कि ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उनके लिए क्या दंड निर्धारित किया गया था। 2018 में इसमें संशोधन किया जाता है और एक धारा जोड़ दी जाती है, धारा 18A, जिसके तहत ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ये निर्णय दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेके जाता है किसी पुलिस के पास, किसी थाने में, तो उसकी पहले क्या की जाएगी, एक अधिकारी के द्वारा, जो पुलिस अधिकारी होता है, सुपरिटेंडेंट स्तर का जो अधिकारी होता है, उसके माध्यम से पहले जांच की जाएगी, और जांच के उपरांत ही क्या कर दिया जाएगा, आपको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। चूंकि ये जो अधिनियम था उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी जो अपराध होगा वो संज्ञेय की श्रेणी में आएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति SC ST समुदाय से संबंधित व्यक्ति किसी व्यक्ति की अगर मेरी ही शिकायत कर दे कि उसने, मतलब मैंने उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को या उसके गरिमा को ठेस पहुँचाई है, या फिर उसके साथ कुछ बुरा भला किया है, बस शिकायत कर दे, मैंने कुछ किया नहीं है, तब भी शिकायत कर दे, तो मुझे पुलिस क्या कर ले जाएगी, पकड़ ले जाएगी, और ये जो अपराध होगा ये गैर जमानती होगा। पहले तो आपको पकड़ ही ले जाएगी, आपको जेल में बंद ही कर देगी,
होगी, फिर सुनवाई होगी, सुनवाई के उपरांत ही क्या किया जाएगा, आपको बेल दी जा सकती है। तो इसी को समाप्त करने के लिए ये कहा गया कि बहुत सारे झूठे केस बन रहे हैं एससी एसटी समुदाय द्वारा, सामान्य वर्ग के लोगों को या फिर अन्य समुदाय के लोगों के लिए झूठे केस बनाए जा रहे हैं, और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले भी थे। उस समस्त पहलुओं का समाधान करने के लिए ये संशोधन लाया गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें विरोध हुआ और आगे चल के धारा 18A को समाप्त कर दिया गया, इसको लागू नहीं किया गया। तो ये अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में कुछ सामान्य सी चर्चा हो गई। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति राहत योजना कब शुरू की गई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31 मार्च 2017, ऑप्शन बी 31 जनवरी 2017, या ऑप्शन सी 30 नवंबर 2017, या ऑप्शन डी 17 सितंबर 2017। तो इसका सही जवाब होगा 31 मार्च 2017। कल भी इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। अब ये योजना के माध्यम से होता क्या है कि जो एसटी समुदाय के लोग होंगे, जो शिक्षित लोग होंगे, उनको क्या किया जाएगा, रोजगार हेतु, रोजगार प्रारंभ करने हेतु क्या की दी जाएगी, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। तो यही इसके संबंध में क्या कहा गया है, योजना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, या ऑप्शन डी 2018। आपने इस योजना के बारे में काफ़ी सुना होगा, कई लोगों को आपने सुना होगा कि ट्वेल्थ में जिन्होंने टॉप किया तो उनको मेधावी छात्र पुरस्कार के तहत पुरस्कारित किया गया, फिर टेंथ में किसी ने टॉप किया तो उसको पुरस्कार प्रदान किया गया, और आगे चल के जब उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसमें क्या दिया जाता है, इनको छूट भी प्रदान की जाती है। अब ये योजना कब प्रारंभ हुई, तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2017 में। इसका पुराने नाम की अगर बात करें, इस योजना का पुराना नाम क्या था, तो इस योजना को रानी दुर्गावती एवं शंकर सा पुरस्कार योजना के नाम से जाना जाता था। अब इसमें होता क्या है, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना के माध्यम से, कि राज्य के टेंथ में और ट्वेल्थ में जो टॉप करने वाले व्यक्ति होंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे, तो टेंथ या ट्वेल्थ का कोई भी विद्यार्थी टॉप करता है, जो किससे संबंधित है, एससी एसटी समुदाय से संबंधित है, तो उसको कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, अगर वो फर्स्ट रैंक पाता है तो उसे 51,000 प्रदान किया जाएगा, 51,000, और अगर सेकंड रैंक पाता है तो उसको 40,000, और अगर थर्ड रैंक पाता है तो उसको 30,000 की कैप दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये किस योजना के तहत है, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। अब इसमें आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, एक योजना कौन सी चल रही है, मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना, जिसमें क्या होता है कि ट्वेल्थ में अगर किसी व्यक्ति के 80% से ऊपर मार्क्स आते हैं, पहले प्रारंभ जब की गई थी तो उसमें 85 रखा गया था, लेकिन आगे चल के उसमें क्राइटेरिया उसका कम कर दिया गया, और अभी क्या है, और भी कम कर दिया गया है, अभी 75% मार्क्स कर दिया गया है। तो मेधावी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से क्या होता है कि उच्च शिक्षा में क्या दी जाएगी, पूरा खर्चा जो उठाया जाएगा, जो फीस होती है वो राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत कितने पाठ्यक्रम चल रहे हैं? अभी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये 1992-93 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके तहत ये निर्धारित किया गया कि जो जनजाति वर्ग के लोग हैं उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे जो नए उद्यम स्थापित होते हैं औद्योगिक गतिविधियों में वो कारगर रूप से अपने कार्यों को कर सकें, और जब कौशल युक्त व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में काम करेगा तो कुशल मानव संसाधन के रूप में कार्य अपना कर पाएगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, सशक्त होगी। इसी के लिए ही 1992-93 में ये योजना प्रारंभ की गई। अब ये बात किया गया कि इसमें कितने पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया, तो इसमें 5 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया, जो मुख्य रूप से किससे संबंधित थे, तकनीकी क्षेत्र से, तकनीकी व पेशेवर क्षेत्र से संबंधित थे, पेशेवर क्षेत्र से संबंधित थे। अगले प्रश्न पे आते हैं,
कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1992-93, ऑप्शन बी 1997-98, ऑप्शन सी 1995-96, ऑप्शन डी 1998-99। तो ये ऐसे जिलों को इंगित करता है जहाँ पर मुख्य रूप से कौन लोग निवास कर रहे हैं, जनजाति निवास कर रहे हैं, और उन लोगों में भी विशेष रूप से जो महिलाएं, जो बालिकाएं हैं, उनके शिक्षा के संबंध में 1992-93 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अभी हाल ही में 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके कुछ संशोधन कर दिया गया है। चलिए उसमें अगले प्रश्न पर इसकी चर्चा करेंगे। कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा का वर्ष 2009 में पुनर्मूल्यांकन करके नया शब्द जोड़ा गया, कर नया शब्द जोड़ा गया, वो कौन सा शब्द है? हमारे ऑप्शन है शिक्षा का समावेशी विकास, बी शिक्षा का सशक्तिकरण, सी शिक्षा का विकास, या फिर डी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। तो अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली कक्षा में मैंने इस योजना के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया था, किस योजना के माध्यम से क्या होता है, कब प्रारंभ हुई और कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं, और साथ ही इसमें 2009 में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। अब इसमें जैसे लिखा था शिक्षा बालिकाओं की शिक्षा, यहां तक लिखा था। अब यहां पर क्षेत्र को भी परिवर्तित किया गया था, क्षेत्र को क्या दे दिया गया था, जिला कह दिया गया था, और आगे जोड़ दिया गया था शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप बताइए कि समावेशी विकास क्या होता है, थोड़ा सा बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए समावेशी विकास क्या होता है। तो समावेशी विकास का सिंपल सा मतलब है कि सबका विकास, सबका समान रूप से विकास। अब ये सबका समान रूप से विकास कैसे हो पाएगा कि सारी सुविधाएं सभी तक, अब कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो, या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, तो सभी लोगों तक आसान व समान पहुंच सुनिश्चित हो सके, वही विकास क्या कहलाएगा, समावेशी विकास कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में मध्य प्रदेश से कितने आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 86, या ऑप्शन डी 89। तो देखिए, जो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना है ये 2006 में प्रारंभ हुई थी। अब जब प्रारंभ हुई थी तो 11 विकास खंडों के माध्यम से प्रारंभ हुई थी, जनजाति विकास खंड। हमको पता है कि जनजाति विकास खंड कितने हैं, 89 विकास खंड किससे संबंध रखते हैं, जनजाति जैसे तामिया हो गया, हर्रई हो गया। तो ऐसे 89 विकास खंड है जो मुख्य रूप से किसके संबंध में रखते हैं, जनजातियों के कल्याण वाले क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो 2006 में जब इस योजना का प्रारंभ किया गया तो 11 विकास खंडों में लागू किया था, लेकिन वर्तमान में 86 विकास खंडों में ये क्या की जा रही है, संचालित की जा रही है। आगे इसको बढ़ा के 89 विकास खंडों तक विस्तार करना है। तो 86 विकास खंडों में अभी दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ लागू की गई है। अब इस योजना में होता क्या है कि अस्पताल की सुविधा सुदूर क्षेत्रों में प्रदान करना, जहाँ पर जनजाति क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करना, अस्पताल की सुविधा प्रदान करना। अब ये सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं, तो कोई ऑटोमेटिक वाहन हो, जैसे आपने एम्बुलेंस का नाम सुना होगा, ऐसी एम्बुलेंस जिसमें समस्त गतिविधियाँ, समस्त ऐसे यंत्र शामिल हों जो इलाज करने में सक्षम हो, तो ऐसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल इस योजना के तहत भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब होगा
1 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 2013 को युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ की गई। जो मुख्य रूप से क्या इसमें प्रावधान मिलता है कि सरकार क्या करेगी, किसी भी नए उद्यम की स्थापना करने में ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी, ऋण सुविधा प्रदान करवाएगी, और जो ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी उसमें से 30% अनुदान जो भुगतान होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा 30% भुगतान किया जाएगा, जो लगभग 25 लाख के समतुल्य होगा। या तो 25 लाख भुगतान कर सकता है या 30%, इससे ज़्यादा वो भुगतान नहीं करेगा राज्य सरकार। तो कोई भी नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो सेवा संबंधित हो या उद्योग के संबंधित हो या बैंकिंग बीमा संबंधित हो, तो SC ST समुदाय का व्यक्ति जो युवा है वो क्या कर सकता है, उद्यम स्थापित कर सकता है। और उसमें अनुदान किसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा, सब्सिडी प्रदान की जाएगी, इसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से। अगला प्रश्न है, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी आदिवासी कला सृजन, या ऑप्शन सी चित्रकारी, या ऑप्शन डी क्षेत्रीय गीत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आदिवासी कला सृजन। अब ये शंकर शाह व रघुनाथ शाह पुरस्कार 2008 में प्रारंभ किया गया था, 2008 में, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए प्रदान किया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है, हमारे ऑप्शन है बाल कलाकार को, ऑप्शन बी पुरुष कलाकार को, ऑप्शन सी महिला कलाकार को, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महिला कलाकार। देखिए, जो देवी अहिल्या, नाम से ही आपको पता हो रहा है कि लेडी थी, किस वंश की शासिका थी, तो होलकर वंश की शासिका थी, जिन्होंने 1765 से 95 तक, 1795 तक शासन सत्ता अपने हाथों पे ली थी। इनके पुत्र कौन थे, माले राव, और माले राव की संरक्षिका के रूप में इन्होंने शासन सत्ता संभाला और आगे पूरा नेतृत्व तो अपने हाथों में ले लिया। माले राव की मृत्यु के बाद पूरा जो शासन प्रशासन था अपने हाथों में ले लिया, और इनके जो सेनापति थे उनका नाम था तुकोजी राव, तुकोजी राव इनके सेनापति थे। इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से कहाँ पर स्थानांतरित की थी, इंदौर से महेश्वर। तो ये कुछ जानकारी किसके बारे में है, देवी अहिल्या के बारे में। और अभी आपको पता ही है कि नए सिलेबस में इनको राजनीतिक विचारक, राजनैतिक विचारक और फिलोसॉफर, दार्शनिक वाले खंड में जोड़ा गया है। आपको पता है कि दार्शनिक वाले खंड में रानी देवी अहिल्या बाई का नाम, भर्तरी का नाम और संत रैदास का नाम जोड़ा गया है। अब जैसे भर्तरी के बारे में अगर थोड़ा सा जिक्र किया जाए, तो भर्तरी ने ध्यान दिया था शब्द ब्रह्म दर्शन का। उनकी एक किताब है वाक्यपदी, जिसमें उनके पूरे दर्शन की जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा जो शंकर जी का डमरू था उससे 14 स्वर निकले, 7 स्वर दक्षिण के, 7 स्वर उत्तर के, तो उनको डिंगल और पिंगल नाम दिया। तो ऐसा कुछ चर्चा होगी हमारी भर्तरी पे, जब हम चर्चा करना शुरू करेंगे तो उसमें भी बताएंगे कैसे उन्होंने अपनी शब्द ब्रह्म दर्शन की व्याख्या की थी, और कैसे उन्होंने बताया था कि 4 भागों में किसी भी शब्द का सृजन होता है, वही शब्द आगे चल के ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है। असली सत्ता शब्द की है, ना कि अर्थ की। ये कुछ विचार है किसके, भर्तरी के। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है तो महिला कलाकारों को ही दिया जाए गा। जैसा कि आप उदाहरण की बात करें तो 1996 में सबसे पहले प्रदान किया गया था तीजन बाई को, और अभी 2021 में प्रदान किया गया है किसको, संजो बघेल को। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु निम्न योजना है, हमारे ऑप्शन है जनश्री योजना, शंखनाद योजना, प्रतिष्ठा योजना, या डी सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना। तो इसके बारे में कल भी थोड़ा सा हमने चर्चा की थी, सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत क्या होता है, SC ST समुदाय को बीज उपलब्ध कराए जाते हैं।
बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। आपने एक और योजना का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय मिलेट मिशन। इसके अंतर्गत भी क्या प्रदान किया जाता है, बीज प्रदान किया जाता है। कौन से बीज? मोटे अनाज का बीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा अनाज जिसको श्री अन्न कहा जाता है बहुत चर्चा में है, और अभी सरकार द्वारा अलग अलग प्रोत्साहन राशि, जैसे मक्के के उत्पादन में प्रति क्विंटल उत्पादन में 1,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, किसके? मक्के बस के उत्पादन में। इसी प्रकार अन्य जो फसलें हैं जो मोटे अनाज से संबंध रखती है, उनमें अलग अलग प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ताकि मोटे अनाज का क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। तो ये प्रश्न की अगर बात करें कि कृषि उत्पादकता और वृद्धि हेतु सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना क्या रखती है, मुख्य रूप से संबद्ध रखती है। अगला है, निम्न योजनाओं का मिलान कीजिए। हमारे ऑप्शन है अरुणिमा योजना, फिर बी है जवाली, सी शंखनाद, डी प्रतिष्ठा। इसको आपको बताना है कि किससे ये मैच करती हैं। तो अरुणिमा योजना के बारे में हमने बताया था कि अरुणिमा योजना किससे संबंध रखती है, स्वास्थ्य से। जो जवाली योजना है ये वैश्यावृत्त से संबंध रखती है, शंखनाद शिक्षा से संबंध रखती है, और प्रतिष्ठा योजना महिला कुप्रथा को समाप्त करने के संबंध में पहचान रखती है। और अगर यहाँ पर जवाली योजना का, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, इस योजना का प्रारंभ 2004 में किया गया था, और जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया था। अब इसकी खासियत क्या थी कि जो जनजाति हैं, बेड़नी, बड़ेनी बोलते हैं इनको, बड़ेनी, बांछड़ा और सौर जैसी जो जनजातियां हैं, जिनमें वैश्यावृत्ति की कुप्रथाएं पाई जाती है, उनके बच्चों के कल्याण के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी, कि उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जवाली योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, 2004 में ये प्रारंभ की गई थी। प्रतिष्ठा योजना, तो मुख्य रूप से जो ऐसे SC ST समुदाय के ऐसे वर्ग हैं जिनके ऊपर ज़बरदस्ती ऐसे काम किए जाते हैं ताकि मैला ढोला पड़े, गंदगी साफ करनी पड़े, नाली साफ करनी पड़े, ऐसे कामों को समाप्त करने के लिए प्रतिष्ठा योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसको अब मिला लेते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। अरुणिमा योजना किससे संबंधित हो गई, स्वास्थ्य से, तो पहले का क्या हो जाएगा, दो देखते हैं। तो सी वाला थोड़ा मैच करता हुआ दिख रहा है, जवाली योजना वैश्यावृत्त से सही है, शंखनाद शिक्षा से सही है, प्रतिष्ठा किससे है, महिला कुप्रथा से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाती है। तो ये देखिए, इसकी चर्चा हम इसके पहले भी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी है। तो इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, 20,000। तो इसके बारे में आपको हमने बताया था कि 2012-13 में इसका प्रारंभ किया गया था। तो UPSC और MPPSC के SC ST वर्ग से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो तीनों स्तर पे कुछ राशि प्रदान की जाती है, जैसे प्रथम स्तर पे अर्थात प्री परीक्षा पास करने पे 40,000, मेंस पास करने पे 60,000 और इंटरव्यू पास करने पे 50,000 प्रदान किया जाता है। और इनका 50% कहाँ प्रदान किया जाता है, स्टेट PCS परीक्षा पास करने में, MP PSC। अगले प्रश्न पे आते हैं, आकांक्षा योजना संबंधित है। हमारे ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने हेतु, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति छात्राओं को खेल हेतु कोचिंग देने हेतु, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति छात्रों को उद्यमिता में बढ़ाने हेतु, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को क्या करवाना है, कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। किसके लिए? सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी है। तो ये कब प्रारंभ हुई, तो 1 जनवरी 2018 से। कहाँ से प्रारंभ हुई, तो डिंडोरी से ये योजना प्रारंभ की गई। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को
किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी गरीबी रेखा के नीचे सभी लड़कियों को शिक्षा, ऑप्शन सी पढ़ाई छोड़ने वाली सभी लड़कियों को शिक्षा, या ऑप्शन डी एससी एसटी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एससी एसटी वर्ग की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी कि जब कोई एससी एसटी वर्ग की महिला होगी छठवीं बालिका होगी छठवीं नौवीं और ग्यारहवीं में प्रवेश करेगी तो उसको क्या किया दिया जाएगा, कुछ प्रोत्साहन राशि दे दी जाएगी। जैसे छठवीं में अगर प्रवेश करती है तो 500 रुपये, नौवीं में प्रवेश करती है तो 1000 रुपये और ग्यारहवीं में प्रवेश करती है तो 3000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे बालिकाओं की जो नामांकन दर है वो बढ़ाई जा सके। अगला प्रश्न है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 11वीं में प्रवेश पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 500 रुपये, ऑप्शन सी 1000 रुपये, ऑप्शन डी 3000 रुपये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी ऑप्शन डी 3000 रुपये। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रमुख योजनाओं को वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो हमारे दाईं लेफ्ट की ओर कुछ लिखा हुआ है और उन योजनाओं के आपको डेट को मिलाना है। तो दीनदयाल चरित अस्पताल योजना, पंचधारा योजना, शंकर शाह और रघुनाथ शाह योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दूसरी ओर लिखा हुआ है 2004, 2008, 1990 और 2006। तो इसको चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमको पता है कि दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2006 में। तो अब इसको मिला लेते हैं तो पहले का क्या हो जाएगा फोर्थ। पंचधारा योजना, पंचधारा योजना कब शुरू हुई थी, 1990 में, जिसमें पांच चीज़ों पर उप योजनाएँ चलाई गई थी, जैसे ग्राम्या, कल्प वृक्ष, सामाजिक पेंशन, वात्सल्य, सामाजिक पेंशन, वात्सल्य, ग्राम्या और एक और था इसमें, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो पंचधारा योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1990 में, और शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह योजना कब प्रारंभ की गई थी, इसमें 2008 में, और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2004 में, जिसके तहत जो बीपीएल कार्ड धारी होते हैं उनको क्या दिया जाएगा, 20,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये सहायता कैसी प्रदान की जाएगी, स्वास्थ्य से संबंधित। तो अब इसको मिलाते हैं दीनदयाल चरित अस्पताल योजना 2006, तो पहले का चौथा देखते हैं, ठीक है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पंचधारा योजना 1990 तो तीन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा मुझे लगता है सही उत्तर होना चाहिए। शंकर शाह रघुनाथ शाह क्या हो जाएगा, दो सही है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 एक ही सही है, तो ऑप्शन डी पूरी तरह से क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। जनजातियों को निकट चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जा रही है किस योजना के तहत। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणिमा, ऑप्शन बी जीवन ज्योति, ऑप्शन सी जनश्री, या ऑप्शन डी शंखनाद योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जीवन ज्योति योजना। अब जीवन ज्योति योजना के माध्यम से होता क्या है, जो एससी एसटी समुदाय के वर्ग के लोग हैं उनको अपने निवास स्थान के समीप ही क्या कर दी जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब ये किसके माध्यम से कराई जाएंगी, तो प्राथमिक चिकित्सा जो केंद्र होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, और एक केंद्र होता है उप स्वास्थ्य केंद्र, उनके माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी। अरुणिमा के बारे में आपको पता है कि अरुणिमा मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं किसको प्रदान करने के लिए चालू की गई थी, बालिकाओं के लिए। शंखनाद योजना आपकी शिक्षा से संबंधित है, और जनश्री बीमा योजना किससे संबंधित है, बैगा सहरिया और भारिया के लोगों से संबंधित है। अगला प्रश्न है धन्वंतरी योजना संबंधित है,
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए वाहन प्रदान करना, ऑप्शन बी आवास उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने, ऑप्शन डी निशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। तो धनवंतरी योजना मुख्य रूप से एसटी एसटी जो वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनको विकास खंड स्तर पर क्या करवाना, निशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना। अब ये जो निशुल्क शिक्षा होगी वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि धनवंतरी को क्या माना जाता है, आयुर्वेद का जनक माना जाता है। तो अब आयुर्वेद से संबंधित है तो मुख्य रूप से जो ये शिक्षा प्रदान की जाएगी वो स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदान की जाएगी। आपको पता है कि आवास उपलब्धता के लिए पीएम आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर सीएम आवास योजना भी चलाई जाने लगी। निःशुल्क शिक्षा के लिए कई सारी, जैसे आरटीई में 25% सीटें आरक्षित होती हैं एसटी एसटी समुदाय के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अभी जो आपका आयुष्मान कार्ड वितरित किया जाता है, आयुष्मान कार्ड, मध्य प्रदेश में इस योजना को निरामयम योजना के माध्यम से जाना जाता है। तो ये सारी योजनाएं किससे संबंधित रखती हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से। अब वाहन प्रदान करने की अगर योजना देखें तो दो योजनाएं नाम सुनने में मध्य प्रदेश में आती है, एक रफ्तार और दूसरा पवन पुत्र। अब इसके माध्यम से, दोनों के माध्यम से ऑटो रिक्शा प्रदान किया जाता है ताकि जो इस समुदाय के व्यक्ति हैं उन वो क्या कर सके, अपने जीवन यापन कर सके, आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त कर सके। अगला है निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना किस कक्षा के उत्तीर्ण करने पर प्रदान की जाती है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कक्षा 5, ऑप्शन बी कक्षा 8, या ऑप्शन सी कक्षा 10, या ऑप्शन डी कक्षा 12। तो इसका सही जवाब होगा कक्षा 8। निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया गया। ये उन लड़कियों को साइकिल प्रदान करती है जो एससी एसटी समुदाय या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना इसके स्थान पे एक और योजना प्रारंभ कर दी गई है, स्कूटी वितरण योजना। तो जो जिले के अंदर कोई भी लड़की अगर टॉप करती है तो उसको क्या प्रदान की जाएगी, स्कूटी प्रदान की जाएगी, मुख्य रूप से बालिकाओं को प्रदान की जाएगी स्कूटी वितरण योजना। आपको बताना है कमेंट में कि योजना कब प्रारंभ की गई थी, डेट बताना है कि कब प्रारंभ की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में संपूर्ण देश की जनजाति का कितना प्रतिशत है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 21.10%, ऑप्शन बी 15.6%, ऑप्शन सी 14.51%, या ऑप्शन डी 20.21%। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। कई लोग तो ऑप्शन ए की तरफ चले गए होंगे कि ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है ना मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, 21.10। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, 14.51। पूरे भारत में मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या है 1,53,00,000 जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिनिधित्व करती है, आपकी 14.51% भाग को प्रतिनिधित्व करती है। अब 21.10 हमारे यहाँ एसटी है, 15.6 हमारे यहाँ एससी है, और 14.51 पूरे भारत में जो मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रतिशत है वो दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश में कितने क्रमशः पूर्णतः अनुसूचित जनजाति जिले तथा विकास खंड हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 और 90, ऑप्शन बी 3 और 89, ऑप्शन सी 5 और 89, ऑप्शन डी 3 और 90। तो आपको पता है कि हमारे विकास खंड कितने हैं, जनजाति विकास खंड कितने हैं, 89। तो दो क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, दो ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब ये तो होंगे ही नहीं, ये हम अपना एलिमिनेशन मेथड चला सकते हैं। अब देखिए दो ऑप्शन ऐसे हैं
जिसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अब कहाँ पर माना जाए। तो अब इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा, तीन हमारी क्या है विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, और उनके संबंध में तीन प्राधिकरण बनाए गए हैं। उन प्राधिकरणों का तीन जिला में मुख्यालय में उनका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है। तो उसी आधार पर आप बस लगा दीजिए कि 3 और 89। और अगर बात किया जाए कि अभी जो पेसा लागू किया गया था कब हमारे मध्य प्रदेश में, 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? जनजाति गौरव दिवस। 2020 में इसकी घोषणा हुई थी और 2021 से हमने जनजाति गौरव दिवस मनाना शुरू किया गया था। पेसा नियम 20 जिलों और 89 विकास खंड में लागू किया गया। और अगर बात किया जाए कि यह पेसा नियम कहाँ से लागू किया गया था, तो शहडोल से लागू किया गया था। शहडोल में कौन आई थी उस टाइम पे? जो हमारी वर्तमान में महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आई थी और उन्होंने शहडोल से इस रूल को, इस नियम को लागू किया गया था। पेसा नियम है कब का? 1996 का। किसकी सिफारिश पर आया था? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर, भूरिया समिति की सिफारिश पर। अब भूरिया कौन थे? जो दिलीप सिंह भूरिया थे, वो हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंध रखते हैं और वो 6 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं, मतलब सांसद रहे हैं 6 बार। और जाति आयोग था, उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके थे। कौन? दिलीप सिंह भूरिया। ये कुछ बात हो गई भूरिया जी के बारे में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 और 89। अगले प्रश्न पे आते हैं। टांट्या भील स्वरोजगार योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कब हुआ? टांट्या भील स्वरोजगार योजना, यहाँ पर आर्थिक कल्याण योजना की बात नहीं हो रही है, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013 या ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2013। अभी टांट्या भील पुरस्कार जो स्वरोजगार योजना है, इसके तहत कोई भी SC ST समुदाय का व्यक्ति है, मुख्य रूप से जो ST समुदाय का व्यक्ति है, वो अपना शिक्षित हो, पहली बात तो शिक्षित हो, और सेवा या उद्योग क्षेत्र में कोई अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, स्वरोजगार स्थापित करना चाहता है, तो उसको क्या प्रदान किया जाएगा? आर्थिक सहयोग प्रदान की जाएगी। अब यह सहयोग कितना हो सकता है? 50,000 से 25 लाख तक। 50,000 से 25 लाख तक सहयोग प्रदान किया जाएगा टांट्या भील स्वरोजगार योजना के तहत। अगले प्रश्न पे आते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथी ब्रैकेट में है सिकल सेल एनीमिया एवं थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? हमारे ऑप्शन है 31 मार्च 2017, ऑप्शन बी 15 जुलाई 2022 या ऑप्शन सी 17 सितंबर 2021 या ऑप्शन डी 22 मई 2013। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जुलाई 2022। मैंने कल भी इसके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा की थी कि सिकल सेल एनीमिया निदान कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, उसका सही उत्तर मैंने बताया था 15 जुलाई 2022 को। अगर इस योजना का पूर्ण नाम देखा जाए तो इसका नाम है हीमोग्लोबिनोपैथी। अब ये योजना चलाए जाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं, चाहे वो सहरिया हो भारिया हो, इनमें मुख्य रूप से कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है, और उन्हें कुपोषण के परिणाम स्वरूप एक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो समस्या कहलाती है क्या? सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें होता क्या है कि RBC का जो आकार होता है वो हंसियाकार होता है, जो सिकल सेल एनीमिया होता है। अब इन ये जब रोग हो जाता है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्तियों में आगे फैलता है, तो इसी को उपचार के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित जो सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम था, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक हम सिकल सेल को समाप्त कर देंगे भारत से, उसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी योजना चलाई गई 15 जुलाई 2022 तक, जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक हम क्या कर देंगे? सिकल सेल को समाप्त कर देंगे। अब थैलीसीमिया एक प्रकार से ब्लड कैंसर का आपने नाम सुना होगा, इसमें RBC का आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब हुआ? देखिए प्रश्न रिपीट है तो इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए।
इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 2017। इस योजना का पुराना नाम क्या था? रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा? किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा? सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 500 की आबादी, ऑप्शन बी 1000 की आबादी, ऑप्शन सी 1500 की आबादी, ऑप्शन डी 2000 की आबादी। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। इसका बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा 500 की आबादी। देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है क्या? गैर आदिवासी क्षेत्र। प्रधानमंत्री सड़क योजना की अगर बात की जाए तो दिसंबर 2000 में इस योजना को प्रारंभ किया गया और आगे चल के इसी की तर्ज में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री सड़क योजना भी प्रारंभ की गई। लेकिन अभी इसकी बात कर लेते हैं, इसमें होता क्या है कि जो गैर आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर 500 की जनसंख्या पे, और अगर आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ पर 250 की जनसंख्या पे मुख्य सड़क से गांवों को जोड़ा जाएगा। अब ये सड़क कैसी होंगी? पक्की सड़क होंगी, पक्की सड़क। अब मुख्य रूप से ये सड़क क्या कहलाएंगी? आरसीसी। आरसीसी सड़क से पूरे गांव को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। ये हमारी बात हो गई। और इसी की तर्ज में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई 2010-11 में, जो इसी सिद्धांत पर आधारित है कि 500 आबादी वाले क्षेत्र में जो गैर आदिवासी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, और 250 क्राइटेरिया किसके लिए निर्धारित किया गया है? आदिवासी क्षेत्रों के लिए। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु तो निम्न योजना है। हमारे ऑप्शन है जनश्री योजना, शंखनाद योजना, प्रतिष्ठा योजना या सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना। तो ये प्रश्न भी रिपीट है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न योजना का प्रारंभ वर्ष के साथ मिलान कीजिए। आकांक्षा योजना, शंखनाद योजना, प्रतिभा योजना, कस्तूरबा गांधी विद्या योजना। दूसरी ओर लिखा है 20 जुलाई 2004, 1 जनवरी 2018, 26 जनवरी 1997 या 1 सितंबर 2016। जल्दी से इसका मिलान कीजिए, मैं तो फिर करवाऊंगा ही। से क्या जवाब होना चाहिए? ऑप्शन देख के बताइए आप कौन सा जवाब होना चाहिए। चलिए हम ही मिलान करते हैं। आकांक्षा योजना की अगर बात करें तो आकांक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 1 जनवरी 2018 को। शंखनाद योजना की बात करें तो 1997 में प्रारंभ की गई थी, 26 जनवरी 1997 में। प्रतिभा योजना की अगर बात करें तो ये प्रारंभ हुई थी 1 सितंबर 2016 को। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो थी ये प्रारंभ की गई थी 2004 को। तब इसको मैच कर लेते हैं, पहले का ऑप्शन 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और जिन जिन लोगों ने कमेंट में ऑप्शन बी सही माना है वो लोग अपनी तैयारी में बढ़िया हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2, 3, 4 और 1। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नीली क्रांति योजना कब प्रारंभ की गई? हमारे ऑप्शन है वर्ष 2017-18, ऑप्शन बी वर्ष 2014-15, ऑप्शन सी वर्ष 2015-16 या ऑप्शन डी वर्ष 2016-17। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, तब तक आपको मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। कमेंट में इसका जवाब लिखिए जल्दी से। देखिए, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति योजना चालू की गई भारत सरकार द्वारा। उसी की तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नील क्रांति की योजना प्रारंभ की गई, और इसमें दो चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया। एक तो जो मछली के अंडे होते हैं और दूसरे होते हैं मछली की जो प्रजनन इकाइयाँ होती हैं, उन दोनों के विकास के लिए ये योजना प्रारंभ की गई, ताकि मध्य प्रदेश में भी जैसे आंध्र प्रदेश है उसी प्रकार से मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया जा सके। 2013 में मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए केसीसी कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, वो 2013 से मत्स्य पालकों को, जो मछुआरे होते हैं उनके लिए भी प्रदान की जाने लगी। और आगे चल के हाल ही में क्या योजना शुरू कर दी गई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई, जिसे 2023-24 के बजट में उप
संपदा के रूप में उप संपदा योजना के लिए 6000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये कुछ प्रयास किए गए थे किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और अगर इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2016-17। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। धनवंतरी योजना संबंधित है, हमारे ऑप्शन है वाहन प्रदान करना, ऑप्शन बी आवास उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। तो इसका जवाब आपको पता ही है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्त सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है, हमारे ऑप्शन है IMF, IFC, IFAD या IIMA। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ जून 2006 में हुआ था। अब इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऐसा जो स्व सहायता समूह जो होते हैं उनके निर्माण को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि जो महिलाएं हैं वो रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध करा सकें। अब ये योजना किसके वित्त सहयोग से प्रारंभ की गई? तो आई एफ ए डी, इसका मुख्यालय है रोम में। रोम कहाँ है? इटली में। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संघ जो है उसके सहयोग से प्रारंभ किया गया एक इकाई है, फंड इकाई है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसके सहयोग से ये योजना प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? जून 2006 में। अगला है, बलराम ताल योजना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2004 में, या वर्ष 2007 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2007। 2007 में बालाघाट से ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसके तहत होता क्या है कि अगर कोई किसान है वो अपने खेतों में तालाब बनाना चाहता है, मेड़ों को चारों ओर से घेर के तालाब बनाना चाहता है, और उसको जो अनुदान राशि चाहिए होती है उसका 75%, और ये कितना होगा? 1 लाख रुपये तक। अब ये SC ST समुदाय के लोगों के लिए है, SC ST समुदाय के लोगों के लिए है कि 75% अनुदान किसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए तक हो सकता है। तो कब प्रारंभ किया गया? 2007 में। ये अगर पूछ लिया जाए कि जैसे मेंस में लिखा हुआ है कृषि कल्याणकारी योजना है, तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों में यह सामान्य स्वास्थ्य समस्या है, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन डी ऑप्शन सी मलेरिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया। आपको पता है कि भारत का इथोपिया किसको कहा जाता है? भारत का इथोपिया, तो श्योपुर जो जगह है, श्योपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया इतनी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाता है। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भारत का इथोपिया। हालांकि आज कई सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम और कई सारी स्वास्थ्य सुविधाएं और केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं उनके लाभ के परिणाम स्वरूप इनके स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक क्या हुआ है? सुधार हुआ है, और 2047 तक इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, देवारण्य योजना का संबंध है, ऑप्शन ए जंगल विकास से, ऑप्शन बी आयुष औषधि से, या ऑप्शन सी मलेरिया उन्मूलन से, या ऑप्शन डी पूजा पाठ से। तो जो देवारण्य योजना है, अब अगर दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, तो मुख्य रूप से आयुष औषधि के विकास से संबंधित योजना है जो जनजातियों को अतिरिक्त आय स्रोत, जनजाति वर्ग होते हैं वो मुख्य रूप से वैद्य भी होते हैं और जंगल में रहते हैं, तो कई सारे औषधीय पौधे के महत्व को भी समझते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है इस योजना का, कि जनजातियों में आयुष जो औषधि है उनकी एक लंबी श्रृंखला तैयार करना, उनमें एक ऐसा चयन बनाना जिससे उनकी आय के स्रोत निर्मित हो सके। देवारण्य योजना के लिए अभी जो मध्य प्रदेश का बजट था उसमें
91 करोड़ का प्रावधान किया गया था बजट में, मध्य प्रदेश के बजट में कितना, 91 करोड़। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। तो देवारण योजना का संबंध किससे है, आयुष औषधि के विकास से। अगला है पंचजा में शामिल नहीं है, हमारे ऑप्शन है जंगल, जमीन, जल या जश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जश्न। अगर यहाँ पर जन लिखा होता तो जन शामिल होता है। अब ये योजना जो है पंचजा योजना 2004 में जब उमा भारती की सरकार थी, उमा भारती कौन है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जब अपने शासन सत्ता संभाली थी तो लोगों के जो जनजाति परिवार के लोग हैं उनके उत्थान के लिए पंचजा योजना शुरू की थी, जो जल, जंगल, जमीन, जन से संबंध रखती थी। और एक और पंचजा में अगला जा होता है वो होता है जानवर। तो जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर। और आपको पता है जो नक्सल आंदोलन चला था नक्सलबाड़ी क्षेत्र से, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में है, वहाँ से नक्सलबाड़ी जो आंदोलन चला था वो मुख्य रूप से इन्हीं तीन मांगों पर आधारित था, जल, जंगल, जमीन पे। और आपने एक नाम सुना होगा रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर में भारत के कई जिलों को शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश के अभी दो जिले इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं, एक है बालाघाट और दूसरा है मंडला। तो दो जिले मध्य प्रदेश के शामिल है किसमें, रेड कॉरिडोर में। अगले प्रश्न में आते हैं पंच परमेश्वर योजना कब प्रारंभ की गई, हमारे ऑप्शन है 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2013, 9 जनवरी 2014 या 9 मई 2012। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 2012। अब देखिए पंच परमेश्वर योजना मुख्य रूप से अगर ध्यान दिया जाए तो पंचायतों के विकास से है, पंचायतों के विकास से। अब इस योजना का उद्देश्य यह था कि जो पंचायत है वो अगर बेहतर कार्य करती हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के स्वरूप में प्रदान की जाएगी। अब ये राशि कितनी हो सकती है, यह 5 लाख हो सकती है, 8 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है या 15 लाख हो सकती है। अब इतनी तो राशि होती है पर ये क्राइटेरिया कैसे सेट किया जाएगा, किसको 5 लाख का पुरस्कार दिया जाए, किसको 10 लाख का पुरस्कार दिया जाए, किसको 8 लाख का पुरस्कार दिया जाए। तो कोई भी पंचायत अगर वह 2000 से कम जनसंख्या पर है, 2000 या उससे कम, तो उसको पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी, 5 लाख प्रदान की जाएगी। अगर 2 से 5 लाख के बीच जनसंख्या है तो उसको राशि कितनी प्रदान की जाएगी, 8 लाख। और अगर 2 से 5 हज़ार और अगर 5000 से 10000 के बीच में जनसंख्या है तो उसे प्रदान किया जाएगा 10 लाख, और अगर 10000 से ज़्यादा है तो उन्हें प्रदान किया जाएगा कितना, 15 लाख। अगला है सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये कहाँ है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी बड़वानी, ऑप्शन डी मंडला। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन की शुरुआत 2 जुलाई 2022 को किया गया था, और इसी के उपलक्ष में फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी 15 जुलाई 2022 को हमने जैसा कि पढ़ा सिकल सेल निदान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। लेकिन जो ये केंद्रीय स्तर का जो योजना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से प्रारंभ की गई थी, ये प्रश्न है। तो 2 जुलाई 2022 को शहडोल जिले से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है सक्षम कार्यक्रम का संबंध किससे है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवन कौशल से, ऑप्शन बी सशक्तिकरण से, ऑप्शन सी दिव्यांगों हेतु, ऑप्शन डी महिलाओं हेतु। तो इसका सही जवाब होगा जीवन कौशल से। सक्षम कार्यक्रम मुख्य रूप से जो एससी एसटी जनजाति समुदाय के लोग हैं उनके युवाओं में इस प्रकार से कौशल उत्पन्न करवाना ताकि वो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो अगर प्रश्न आ जाए कि सक्षम कार्यक्रम का संबंध किससे है तो जीवन कौशल से, 2021 का ये कार्यक्रम है तो ध्यान रखिएगा। अगला है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, हमारे ऑप्शन है उद्यम स्थापना से, कौशल प्रदान करने से, युवा प्रोत्साहन से या व्यवसायिक शिक्षा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्यम स्थापना से। तो मैंने आपको बताया था भगवान बिरसा मुंडा योजना कब प्रारंभ हुई थी,
6 सितंबर 2022 को। इसमें दो आधारों पे आपको अनुदान दिया जाता है। यदि उद्योग क्षेत्र का कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो 50 लाख का अनुदान मिल सकता है, और अगर सेवा क्षेत्र का कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें 25 लाख का अनुदान मिल सकता है, ऋण मिल सकता है। अगला है, राशन आपके ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 2021, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2021, या ऑप्शन डी 3 अप्रैल 2021। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2021। अभी राशन आपके ग्राम योजना है क्या? तो जो पीडीएस सिस्टम के तहत राशन की दुकानों से राशन मिलता था, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उचित मूल्य की दुकान नहीं है, उचित मूल्य की दुकान ऐसी दुकान होती है जहाँ पर हमको राशन मिलता है, जिसको आम भाषा में कोटा भी बोलते हैं, सोसाइटी भी बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसे उचित मूल्य की दुकान नहीं है तो उसके लिए 15 नवंबर 2021 को यह योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत घर घर जाके क्या प्रदान किया जाएगा, राशन प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, एक योजना का नाम आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये जो अंत्योदय योजना थी उसी का विस्तार है। इसके तहत अगले 5 साल तक फ्री में अनाज दिया जाएगा कितने लोगों को, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 सालों तक। तो अभी मोदी जी जहाँ जहाँ भाषण देने जा रहे हैं वहाँ पर इसी योजना का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं कि सबको अनाज मिलेगा, सबके घर में चूल्हा जलेगा। तो दोस्तों, ये हमारी सामान्य सी चर्चा थी आज के प्रश्नों पे। हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में जो कल्याणकारी कार्य किए गए हैं उनके लगभग सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। कुछ और योजनाएं हाल ही में प्रारंभ की गई थी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, और जो करंट अफेयर की किताब है उसमें आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको साथ अगले क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।